पटना के घाट पर हम हुआ रगिया देवेंगे छठ मैया, हम ना जाएंगे दूसर घाट देखब है छठ मैया। पटना के घाट पर हम हुआ रगिया देवेंगे छठ मैया, हम ना जाएंगे दूसर घाट देखब है छठ मैया। भूल चूक हमरी मैया रखब ना धियनिया देखब है छठ मैया, हमरो अरगिया लेहब मान देखब है छठ मैया। हमरो अरगिया लेहब मान देखब है छठ मैया, देखब है छठ मैया। जय छठ मैया, छठ मैया के गीत या छठ मैया का नाम, छठ मैया के घाट कहीं हम लोग इस नाम को लेते हैं, एक अलग सा रोमांच, एक अलग सा एनर्जी हमारे शरीर में आ जाता है। छठ पूजा बहुत पौराणिक पूजाओं में से एक है और कहते हैं कि इसका जिक्र जो है रामायण में, महाभारत में, हर ग्रंथ में पाया जाता है। और एक समय था जब कर्ण ने सूर्य की पूजा की थी, सीता और राम ने सूर्य की पूजा की थी, महाभारत में भी द्रौपदी के द्वारा छठ किए जाने का जिक्र मिलता है। छठ जितना ही पौराणिक है, इसके नियम कानून परंपराएं उतने ही सख्त और उतने ही निर्मम ये व्रत कहा जाता है, लेकिन छठी मैया इतनी दयालु है जो इस निर्मम व्रत को, जो 36 घंटे का निर्जल उपवास होता है, उसको भी निर्मल व्रत में कैसे बदल देती है, ये छठी मैया की ही कृपा है। और यही कृपा और यही बातें जो छठ की है, जो छठ को दूसरे हर त्योहारों से अलग बनाती है। और हर कोई छठ व्रती या उनके परिजन चाहते हैं कि वो छठ के दौरान अपने घर में, अपने घाट में, अपने लोगों के साथ छठ पूजा करें और अपने घर वालों के साथ ही छठ व्रत को पालन करें। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि रिज़ाइन करके हम छठ घाट पे आ गए, कोई कहता है कि मैं बॉस से लड़के आ गया हूँ, कोई व्यवसाय छोड़ के, कोई दुनिया से लड़ झगड़ के किसी भी तरह से अपने रोज़गार व्यवसाय को छोड़ करके छठ घाट पर आना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग चाहते तो हैं, जो व्रती हैं, जो देश विदेश में बसे हुए हैं, लेकिन वो छठ के पर्व में घर नहीं आ पाते हैं और उनकी वेदना, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। ये वही समझ सकता है जो उस वेदना को महसूस करेगा जिसके ऊपर में यह वेदना गुजरती है। लोग रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, रोजी रोटी के लिए शहर छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं और हर साल रास्ता देखते हैं कि छठी मैया जब आएंगे तो हम भी आएंगे, छठी मैया का घाट सजाएंगे, दौरा माथे पे लेके छठ घाट को जाएंगे, माँ को खरना कराएंगे, छठी मैया को हम अर्घ देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग हैं जो बाहर के गाँव बसे हैं, विदेशों में बसे हैं, वहाँ भी छठ पूजा धूमधाम से होती है, लेकिन जो मज़ा अपने परिवार के बीच में अपने घाट पे है वो मज़ा और कहीं नहीं आता है। वो मजबूरन ऑफिस में रहते हैं, जॉब करते हैं, काम कर रहे हैं, कीबोर्ड पे उंगलियां उनकी चल रही हैं, लेकिन मन में छठी मैया के ही गीत गुनगुनाते रहते हैं। मन वही घाट पे रहता है, मन वही ठेकुआ प्रसाद उन्हीं केलवा का सार में खोया रहता है कि छठ का पूजा हो रहा होगा, छठी मैया घाट पर आई होंगी, हमारे सब लोग वहाँ पे होंगे और हम वहाँ पे नहीं होंगे। ऐसे में ही अगर माँ शारदा सिन्हा जी का कोई गीत बज जाए, दूही बाबू दौरबा ले जाई है अर्घ दिलई है, उगी है सूर्य जी को सैया हो, अर्घ दिलई है बाबू निर्मल हुई है बड़ी बड़ी सूर्य जी, मन बहुत भाव विभोर हो जाता है, मन गंभीर हो जाता है। हम सोच नहीं सकते हैं कि उस समय क्या भाव होते हैं, मन में विचार आता है व्रति छठ घाट पे होंगे, नहाए खाए हो रहा हूँ, माँ रास्ता देख रही हूँ, खरना हो रहा है, संझ की अर्घ, भोर का अर्घ हो रहा है, सब लोग घाट पे होंगे और हम घाट पे होंगे। माए
रास्ता देखती है, अंत तक देखती है प्रसाद के लिए कि आखिर हमारा बेटा जो छठ घाट पर हमें प्रमुखतया रुनकी झुनकी बेटी दामाद बेटा बहू पोते पोतियाँ सुख समृद्धि सौभाग्य निर्मल शरीर आँख हाथ कान लंगड़े लूले सब लोग छठ व्रत की महिमा को गाते थे। और छठी मैया हर किसी को वरदान देती है, झोलियाँ भर भर के देती हैं, लेकिन वही बेटा जिसे छठ घाट से हमने मांगा, वही बेटी जिसे हमने छठ घाट से पाया, वो हमारे ही व्रत में हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रहते हैं, बहुत दुख होता है। और व्रतियाँ महीनों उस प्रसाद को, उस ठेकुआ, उस पकवान को सालों रखती हैं, और जब बच्चे बाहर से आते हैं तो उसे ग्रहण करने के लिए देती हैं। ऐसी महान है छठ की महिमा और ऐसी महान है यह पर्व। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि इस बार छठ पूजा के लिए अपने ही घर आइए, अपने ही छठ घाट पर छठ को करिए कि कहीं सुनी न रह जाए कोई चौखट, और अपने परिवार हित मीत के साथ ही मनाइए इस बार 2017 का छठ। नमस्कार।